हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देख रहे हैं एरर कोडिंग, और इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे लीनियर कोड्स के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, और हम शुरू करने वाले हैं लीनियर कोड्स का। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि अ ब्लॉक कोड इज़ सेट टू बी अ लीनियर कोड, अ ब्लॉक कोड इज़ सेट टू बी अ लीनियर कोड इफ़ इट्स कोड वर्ड सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द सम ऑफ एनी टू कोड वर्ड्स गिव अनदर कोड वर्ड। कि जैसे अगर मेरे पास दो डिफरेंट कोड वर्ड्स हैं CI और CJ, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा उनमें, मतलब मॉड्यूलो 2 एडिशन कर दूंगा, तो मुझे एक नया कोड वर्ड मिलेगा CK। तो ये कंडीशन होती है कि दो कोड वर्ड को ऐड करके अगर हमें जो मिल रहा है वो भी एक कोड वर्ड है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर कोड वर्ड्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इसमें सिंपल है, पहली का कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल जीरो वर्ड इज ऑलवेज अ कोड वर्ड। कि जीरो 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 करके अगर सारे जीरोज हैं किसी में, तो वो एक कोड वर्ड होता है। ठीक है, अब बाकी एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं 7x4 हैमिंग कोड को। सो लेट अस से 7x4 हैमिंग कोड वर्ड, और बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि ये वाला जो कोड वर्ड है 7x4 हैमिंग कोड, क्या ये लीनियर कोड है या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन जो है दैट द सम ऑफ एनी टू कोड वर्ड्स शुड गिव मी अ कोड वर्ड। तो लेट अस से मैं दो कोड वर्ड्स ले लेता हूँ C1, हैमिंग कोड के अंदर C1 होता है, और एक और कोड वर्ड ले लेता हूँ मैं C10, और हैमिंग कोड में ये होता है। ठीक है, नाउ लेट अस डू द एडिशन। अब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, C1 प्लस C10 को ऐड करते हैं, मॉड्यूलो 2 एडिशन बेसिकली। ठीक है, और देखते हैं कि जो रिजल्ट आएगा क्या वो भी एक कोड वर्ड है या नहीं है। सो 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1, अब देखते हैं इसका मॉड्यूलर 2 एडिशन। 1 1 कितना होता है 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1। तो हमें क्या मिला, 1 0 1 1 0 0। तो अब अगर हैमिंग कोड्स देखें हम, तो आप देख सकते हो ये वाला जो कोड वर्ड है, आप हैमिंग कोड की टेबल के अंदर चेक कर लेना, ये वाला जो कोड वर्ड है दैट इज कोड नंबर 11 इन द 7x4 हैमिंग कोड। सो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई 7x4 हैमिंग कोड की, कि दो कोड वर्ड्स को ऐड करके मुझे जो तीसरा रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक कोड वर्ड है। सो दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रू। देन लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। गिवन एनी 3 कोड वर्ड्स CI, CJ एंड CK सच दैट CK इज इक्वल टू CI प्लस CJ, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि C11 इज इक्वल टू C1 प्लस C10। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट C11 इज इक्वल टू C प्लस C10। देन द डिस्टेंस ऑफ CI एंड CJ इज इक्वल टू वेट ऑफ CK। मतलब अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ अब C1 और C10 का, तो किसके बराबर आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू वेट ऑफ C11। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका, डिस्टेंस होता है ये दोनों कोड वर्ड्स कितने प्लेस पर डिफर कर रहे हैं। तो आप देख लो कितने प्लेस पर डिफरेंस है इसमें, ये सेम है, सेम सेम, एक डिफरेंस ये है, दो डिफरेंस, और ये 3 डिफरेंस। तो इनका वेट डिस्टेंस कितना आया, 3। अब देखते हैं जो रिजल्ट आया था हमारे पास, रिजल्ट क्या था, C11। तो C11 का वेट क्या होगा, नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, कितने, 1 2 3। सो वेट कितना आया इसका, 3। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो प्रूफ्ड, कि ये वाली कंडीशन भी प्रूफ होती है 7x4 हैमिंग कोड के केस में। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द थर्ड प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। इट सेज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड इज द मिनिमम वेट। ठीक है, सो जो मिनिमम डिस्टेंस है 7x4 हैमिंग कोड का, वो किसके बराबर होता है, जो मिनिमम वेट है। तो
अब अगर आप 7x4 हैमिंग कोड को देखोगे अदर देन C15, अदर देन C15 अगर आप देखोगे तो उनका जो वेट है, सो फॉर 7x4 हैमिंग कोड अदर देन C15 वेट ऑफ द कोड्स आर 3 और 4। ठीक है, मतलब अगर आप पूरा हैमिंग कोड देखते हो, 7x4 हैमिंग कोड में सारे कोड्स को अगर आप देखते हो, तो C15 के अलावा बाकी सबका वेट 3 या 4 है, और C15 का कितना है, सारे 1s हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूरे हैमिंग कोड का देखूं, मिनिमम वेट कितना आया, मिनिमम वेट तो कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा है सिंपल 3। सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड इज ऑल्सो 3। मतलब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन द केस ऑफ लीनियर कोड्स आप वेट निकाल सकते हो पूरे लीनियर कोड का कि मिनिमम वेट कितना है, तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा ना वो भी उसके ही बराबर होगा। ठीक है, सो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाला था कितना आया था, 3। सो दैट कैन बी सीन हेयर ऑल्सो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें मिनिमम डिस्टेंस जो है कोड वर्ड का बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द मिनिमम वेट, और मिनिमम वेट निकालना कंपेरेटिवली ईजी है देन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ लीनियर कोड्स, जहाँ पे हम दो कोड्स को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसको भी कहते हैं कि वो भी एक कोड वर्ड होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व 1 क्वेश्चन ऑन लीनियर कोड। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला तो हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि 4,3 जो इवन पैरिटी कोड होते हैं वो लीनियर होते हैं, और सेकंड हमें ये शो करना है कि 4,3 ऑड पैरिटी के जो कोड होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, सो पहले लेके चलते हैं हम इसमें इवन पैरिटी कोड्स को। इवन पैरिटी 4,3 कोड्स, तो अब देखो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सारे कोड्स लिख लो आप जितने 4,3 के इवन पैरिटी के कोड्स हैं। तो कौन कौन से होंगे, 0000, 0011, 0110, 1100, 0101, 1010, 1001 और सारे 1। तो ये 4,3 के इवन पैरिटी के कोड्स हैं। इवन मतलब नंबर ऑफ वंस इवन जिसमें होते हैं। अब हमें क्या शो करना है कि ये कोड वर्ड्स लीनियर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या किसी भी दो कोड वर्ड्स को ऐड करके जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो क्या वो भी एक कोड वर्ड है। तो कुछ के मैं शो कर देता हूँ आपको, बाकी सब क्या आप करके देखना। लेट अस से मैं ऐड करता हूँ 0000 को 0011 से, तो देखो क्या आएगा, 10 यहाँ से करते हैं 000 000 011 011, तो हमें मिला 0011। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये कोड वर्ड मेरे पास है 0011, आप यहीं पे देख लो, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, ओके, अब किसी और दो को ले लेते हैं, कोई से भी दो का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ 0011 का 1010 से, तो देखो 011 000 110 101, तो हमें क्या मिला, 1001। क्या ये कोड वर्ड है मेरे पास, तो ये भी है मेरे पास। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बाकी सबके लिए भी आप देखोगे कि किसी भी दो को आप ऐड करोगे तो आपको जो तीसरा जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी आप देखोगे कि एक कोड वर्ड है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ट्रू होती है दैट, मतलब जो मेन प्रॉपर्टी है लीनियर कोड्स की कि दो को ऐड करके जो मैं ले रहा हूँ तीसरा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, वो भी एक कोड वर्ड है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्टेंस वाली बात। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जो इसका डिस्टेंस है वो इसके वेट के बराबर होना चाहिए, सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0000
0011, कितना आएगा डिस्टेंस देखो, एक प्लेस दो प्लेस, दो प्लेस पे डिफर हो रहा है तो 2 आया। अब वेट देखो इसका, 0011 का वेट कितना आ रहा है, नंबर ऑफ वंस कितने, 2, सो 2, तो यही प्रॉपर्टी भी आपकी ट्रू हो रही, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट द मिनिमम डिस्टेंस और द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड इज़ द मिनिमम वेट। तो जब आप इसमें देखोगे तो जो आपको मिनिमम वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2, और जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो कितना मिल रहा है, 2। सो दिस शोज दैट फोर कॉमा थ्री इवन पैरिटी कोड, या 4,3 इवन पैरिटी इज अ लीनियर कोड। क्लियर? नाउ लेट अस सी फॉर ऑड पैरिटी। अब देखते हैं एक बार ऑड पैरिटी के लिए क्या वो लीनियर है या नहीं है। सो ऑड पैरिटी 4,3 कोड्स, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें भी सारे कोड वर्ड्स आप लिख लो। सो 0001, अब देखो सिर्फ ऑड पैरिटी के लिए लिखना, तो नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ऑड होंगे, तो ये सारे कोड वर्ड्स मैंने लिख लिए। अब देखते हैं इनमें से 2 को ऐड करके, लेट अस से मैं ऐड करता हूँ 0001 को 0010 से, तो देखो क्या आएगा, 0000 0001 and 101। अब आप चेक करो कि क्या ये कोड वर्ड मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी है, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो ये किसका एग्जांपल बन गया, ये इवन पैरिटी मिल गया, जबकि हम चेक कर रहे हैं ऑड पैरिटी के लिए। तो इसी एक पहले उससे ही आप चेक कर सकते हो दैट दिस इज़ नॉट अ लीनियर कोड। आपको इसमें बाकी कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो मेन कंडीशन है लीनियर कोड की वही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो इस तरह से अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी एक क्वेश्चन दिया हो कि प्रूफ करना है कि लीनियर कोड है या नहीं है, तो आप सिंपल 2 कोड वर्ड्स उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोड वर्ड्स के लिख लीजिए, उसके बाद उन 2 कोड वर्ड्स को ऐड करके देखिए सबको एक दूसरे से, और देखिए कि जो तीसरा रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या कोड वर्ड में है या नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें हमने देखा था सिंपल लीनियर कोड्स होते क्या हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरेटर मैट्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटर मैट्रिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।